A very kind request to you, please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या टिप्स होना चाहिए आपको लो मार्क्स पे अप्लाई करने के लिए मॉपअप राउंड में. सो प्लीज़ जाके पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा काउंसलिंग के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या बजट रहेगा, कैसे क्या करना है. ठीक है, तो मैं बस इसमें फोकस क्या करने वाला हूँ कि मॉपअप राउंड के लिए आपको कैसे फिल करना है. ठीक है, एक तो पूरा स्टेप्स में देखेंगे कि कैसे फिल करना है, क्राइटेरिया क्या होगा. ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं जो फोकस करने वाला हूँ कि आपको किस बेसिस पे आपको मतलब अरेंज जो करना है अपना कॉलेज वाइज, वो किस पे मेन फोकस करके कैसे आपको भरना है. ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कोई भी कॉलेज भर दिया. तो मैंने आपको बोला था 100% कि मतलब आपको हेल्प करने को हुई डेली लाइव सेशंस में 10 o'clock को जो लेता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो ऑफलाइन वीडियो है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलते रहेगा. तो मेन फोकस यहाँ पे मेरा इस वीडियो में ये बनाने का है कि आप लोग में से जो लो मार्क्स के स्टूडेंट है या एवरेज मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे कॉलेज में दिलाओ. सो आपको दिलाने के लिए मेन फोकस जो मेरा है वो क्या है, आपको बता दो कि स्टेप्स वैसे फॉलो कीजिए जो स्टूडेंट्स को मिला है. मतलब आपको सबसे पहले समझ में लेना है कि कैसे फोकस करने से आपको एडमिशन मिल सकता है. तो चलिए वन बाय वन स्टेप वाइज फॉलो करते हो. स्टेप वन ले लेते हैं. सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जाइए और देखिए सीट मैट्रिक्स को. जैसे ऑलरेडी हमने वीडियो में बनाया है डियर फ्रेंड, अगर नहीं है आप नए हैं तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लीजिए पहले चैनल पे, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया सीट मैट्रिक्स. अगर नहीं है तो MCCNIC.in पे जाके देख लीजिए. सीट मैट्रिक्स को पूरा अच्छे से डिटेल से खंगार दीजिए, पूरा जितना हो सकता है सीट मैट्रिक्स को समझ के लीजिए. ठीक है, सीट मैट्रिक्स को आपको समझ में आ गया कि सीट मैट्रिक्स क्या है. ठीक है, सीट मैट्रिक्स जैसे ही समझ में आ गया फिर आपको करना है कि कहाँ पर अवेलेबल सीट्स है. सपोज तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, मैंने एक वीडियो में बताया भी है, 116 अवेलेबल है, उस कॉलेज में अप्लाई कर दो. वहाँ पे नहीं होता है, अगर आपको होम स्टेट से निकलना नहीं है तो वहाँ के होम स्टेट पे फोकस कीजिए. लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा गाइज, वहाँ पे फोकस कीजिए. आपको मूव आउट करना पड़ना है, प्लीज़ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर फ्रेंड. पढ़ने तो जा रहे हो तुम, मूव आउट करो. हाँ, पीजी के लिए फोकस करो, कहाँ से पीजी करना ईजी रहेगा. तो आप देख लो सीट्स वैकेंट्स कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, जहाँ पे भी हो होम स्टेट में मिल गया वो भी अच्छी बात है. आप खुद होम स्टेट है तो अच्छी बात है. कि कॉलेजेस है लाइक गुरुराम, हिमालयन, उत्तराखंड में भी काफ़ी सीट्स अवेलेबल है. वीडियोज ऑलरेडी मैंने बनाए भी है. तो वो फोकस कर लिया आपने, अवेलेबल सीट्स को देख लिया. ठीक है, पूरा फोकस कर लिया. दूसरा फोकस आपका कहाँ पे रहेगा कि वो फोकस करना है आपको कि आपको देखना है कि बजट्स का मतलब अगर मार्क्स कम है तो आपको हाई बजट्स वाले कॉलेज को प्रेफर करना पड़ेगा. तो आपको ज़्यादा चांस है कि सीट्स में 100% मिल जाएगा. हाँ, आपको प्रॉब्लम क्या है. दूसरा ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है, स्टिक में दे रहा हूँ आपको. क्या आपको समझ में आ गया कि मेरे पास तो बजट भी नहीं है ना, मेरे पास अच्छे मार्क्स एवरेज मार्क्स है. तो आपको फोकस क्या करना है, एक डिसेंट एवरेज जितना आपसे बजट हो सकता है वहाँ तक अपने आपको खींच के ले जाइए. सेकंड फोकस कहाँ पे लीजिए आप. दूसरा आप लेके जाइए, आपको वैसे कॉलेजेस प्रेफर करना है जो कॉलेजेस है जो नियर एस्टेब्लिशमेंट हुए, मतलब पुराने कॉलेजेस नहीं, नए कॉलेजेस है. सो वो एक आपके लिए एडवांटेज बन जाएगा. समझ में आ गया, वो जैसे एडवांटेज बनेगा, क्योंकि नए वाले कॉलेज में प्रेफर नहीं करते लोग. लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि नए वाले कॉलेज को आप लीजिए. क्यों लीजिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, सोर्स ऑफ जो है वो आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि सोर्स क्या है. डॉक्टर आपको बाद में डॉक्टर बनने का क्या पूछेंगे कि आपने डॉक्टरी कहाँ से की. तो ये सब पे फोकस करना है. ठीक है, स्टेप थ्री जो आपको लेना है कि फिलअप कर दीजिए ऑनलाइन MCC का, रजिस्टर कर लीजिए. ठीक है, और उसके बाद जो स्टेप्स रहेगा, मेक पेमेंट कर दीजिए जरूर. और माँ बाप का जो भी है, आप डीम्ड का है तो अराउंड 2 lakh है, जो भी है फिक्स अपना कर दीजिए. स्टेप फोर रहेगा लॉक योर सीट, सीट्स को लॉक कर दीजिए. और फिफ्थ जो रहेगा, वंस द सीट्स आर अलॉटेड एंड द रिजल्ट इज डिक्लेयर, रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर द फर्दर फॉर्मेलिटीज. मतलब एक बार आपको मिल गया और लॉक होकर जो आपको स्पेशल सीट्स अलॉट हो गया, तो आप आराम से उस कॉलेज में जाइए और डिले मत कीजिए. वहाँ जाके फर्दर फॉर्मेलिटी जो उनका जो है वो आप कर दीजिए. सो इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जरूर कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा. सो उम्मीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो मैं डालते ही रहूँगा, और मैंने जो लिया है आप लोग के लिए स्टेज की करना आपका एडमिशन तो जरूर होकर रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.